तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास 12 प्लस 12 कॉइल का स्टेटर, ये 10 mm का स्टेटर है, इसके अंदर टोटल 12 कॉइल हैं। तो फटाफट हम इसको काट लेते हैं, इसकी बाइंडिंग को काट लेंगे। तो इसकी हमने बाइंडिंग सारी निकाल दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो साइज है कोर का वो 10 mm है, यानी 1 सेंटीमीटर इसका कोर का साइज है। तो अब हम इसके अंदर इंसुलेशन पेपर लगाएंगे। तो ये हमने सारे पेपर काट लिए हैं और अब हम इसके अंदर पेपर डालेंगे। यहाँ पर हम इसको बिना मोड़े ही, यानी किनारों को बिना मोड़े ही इसके अंदर डाल रहे हैं। फटाफट हम इसके अंदर पेपर को डाल लेंगे। इसके अंदर टोटल 12 पेपर पड़ेंगे, 12 प्लस 12 में 12 पेपर नीचे पड़ते हैं और 12 पेपर ऊपर पड़ते हैं। तो ये है हमारी मशीन, इससे हम बाइंडिंग करेंगे। ये इसकी डाई है, ये 12 कॉइल वाले स्टेटर की डाई है, ये 14 कॉइल वाले स्टेटर की डाई है और ये 16 कॉइल वाले स्टेटर की डाई है। इसकी दो डाई अभी मशीन में लगी है, उसको हम अभी खोलेंगे। तो इन सारी डाई को हम एक साइड को कर देंगे। यहाँ पर हम ये वाली डाई लगाएंगे, 12 प्लस 12 वाली। दो डाई बड़ी होती हैं, दो डाई छोटी होती हैं। पहले बड़ी डाई लगती हैं जो अंदर वाली कॉइल पड़ती है, उसके बाद छोटी डाई लगती हैं जो ऊपर से कॉइल पड़ती है बाद में। तो फटाफट हम मशीन के अंदर स्टेटर फिट कर लेंगे। स्टेटर बिल्कुल डाई के सामने होना चाहिए, तो इसको हम सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी पुरानी डाई लगी है उन डाई को खोल लेंगे। स्टेटर की डाई अलग होती है, ऑटोमेटिक वाली डाई में दो ही डाई काम कर जाती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, सारे स्टेटर उसी से बन जाते हैं। तो फटाफट हमने ये डाई खोल ली है और अब हम इसके अंदर 12 कॉइल वाले स्टेटर की डाई लगाएंगे। तो पहले हम लंबी वाली डाई लगाएंगे जो लंबी होती है, क्योंकि हमें पहले अंदर वाली कॉइल डालनी होती है, स्टार्टिंग कॉइल। तो हम दोनों साइड की डाई को चेंज कर देंगे और डाई को इस तरह से सेट करेंगे। डाई के और स्टेटर के बीच में हल्का सा गैप रहना चाहिए, इतना गैप रहना चाहिए कि आपका एक पीवीसी पेपर 10 एमएम का या 7 एमएम का पीवीसी पेपर इसके अंदर आ जाए। तो दोनों डाई के अच्छे तरह से सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर इतना गैप होना चाहिए कि एक पीवीसी पेपर आराम से निकल जाए, तभी तार ठीक से जा पाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डाई की सेटिंग इस तरह से की है। तो ये हमारी डाई सेट हो चुकी है, अब हम इसको बाइंडिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 36 नंबर का कॉपर वायर, इससे हम इसको बाइंडिंग करने वाले हैं। और ये तार जो है यहाँ पर फंसता है, ये रुई के नमदे होते हैं, दो नमदे लगे होते हैं, स्प्रिंग से ये टाइट होते हैं, इन दोनों नमदों के बीच में तार चलता है। तार को हम ऊपर को निकाल लेंगे, इसको हम इस सुराख के अंदर को डालेंगे। अगर डबल करके मोड़ कर डालेंगे तो आराम से पड़ जाएगा और ये दूसरी साइड को निकल कर आएगा और इसको हम बाहर को निकाल लेंगे। और उसके बाद इसका जो एल होता है, इसके अंदर दो नट लगे होते हैं, इन दोनों नटों में तार को निकालने के बाद डाई के बीच में को तार को निकाल लेंगे। उसके बाद तार को स्टेटर की रोड में बांध देंगे। आप चाहें तो इसको डबल करके भी लीड निकाल सकते हैं, यानी कोने पे लगभग 6 इंची की लीड डबल कर लेंगे तो आपको वहाँ पर कनेक्शन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, लीड टूटती नहीं है। लेकिन मैं सिंगल तार से ही लीड निकाल देता हूँ। और पहली कॉइल जो हम डालेंगे, जो रोड के अंदर सुराख है उसके सामने पहली कॉइल डालेंगे। यहाँ पर हम एक टर्न डाल लेंगे, उसके बाद स्टेटर को घुमाएंगे और जो रोड के अंदर जो सुराख है उसको हम डाई के सामने रखेंगे, यानी पहली कॉइल जो है हम जहाँ पर रोड में सुराख है वहाँ पर डालेंगे। उसके बाद हाथ से ही एक दो टर्न्स डाल लेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारी डाई अच्छे से सेट है। उसके बाद हम स्टेटर के लिए टर्न्स सेट करेंगे। यहाँ पर हमारे 360 टर्न सेट है और मशीन में जो फिक्स हैं वो 350 हैं। तो अब हम इसको 360 कर देंगे, क्योंकि जितनी टर्न्स हम सेट करते हैं उससे 10 या 20 टर्न्स के बाद ही मशीन रुकती है। यहाँ पर हमने 360 टर्न सेट कर दिए और इसके अंदर जो हमें डालनी है वो 380 टर्न्स डालनी है, क्योंकि ये स्टेटर जो है वो 10 mm का है। और यहाँ पर हम इसको रिसेट कर देंगे, तो ये 0-0 हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें रेड कलर की LED जल रही है, तो पहले हम लाल वाला बटन दबाएंगे, यानी ऊपर को टर्न्स जाएंगी रिवर्स, उसके बाद ग्रीन वाली LED जल जाएगी, तो हम हरा वाला बटन दबाएंगे, यानी फॉरवर्ड, एक बार रिवर्स, एक बार फॉरवर्ड, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, इसी हिसाब से इसके अंदर टर्न्स पड़ेंगी। उसके बाद हम पंखे की बाइंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, लाल वाला बटन दबा देंगे तो यहाँ पर बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मशीन रुकी है 370 टर्न पे, यानी दो टर्न्स कम है। तो यहाँ पर हमें डालनी है 380, तो हमने मशीन के अंदर सेट की थी 360, तो लेकिन यहाँ पर आए 370, तो यहाँ पर हमें डालनी है 380, तो यहाँ पर मशीन में हम कर देंगे 370। तो हमने 370 टर्न सेट कर दिए और जैसे ही हम हाथ से घुमाते हैं तो एक दो टर्न्स तो वैसे ही पड़ जाती है। तो अब हम इसके अंदर 10 टर्न हाथ से ही डाल लेते हैं, क्योंकि हमें 380 टर्न्स डालनी है। उसके बाद दूसरी कॉइल डालने के लिए स्टेटर को हम पीछे को खींचेंगे हैंडल से और अगली स्लॉट को डाई के अंदर फिक्स कर देंगे और एक टर्न्स हाथ से डाल देंगे।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी हम मशीन चलाते हैं बाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है ऑयल डालना ज़रूरी होता है, जो नमदे होते हैं वहाँ पर तो हमें ऑयल डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तार चलता है रगड़ लगती है तो वहाँ पर जो है रुई हल्की हल्की तार में फंसी रहती है और उसकी वजह से तार टूट जाता है। तो हम दूसरी को ऑयल डालेंगे, यहाँ पर ग्रीन वाली LED जल रही है तो हमें हरा वाला बटन दबाना होगा, लाल वाली जलेगी तो लाल वाला बटन दबाना होगा, तो इसी हिसाब से हम इसकी बाइंडिंग करते जाएंगे। यानी अब ये नीचे को मशीन घूम रही है, हमारी साइड नीचे को घूम रही है, पहले ये उल्टी घूम रही है, तो इसी हिसाब से बाइंडिंग करते जाएंगे। तो ये हमारी दो कॉइल पड़ चुकी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 378 टन्स आ चुकी हैं। एक टन्स तो ऐसे ही आ जाती है, एक दो टन्स जब हम हाथ से इसको घुमाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब हम स्टेटर को पीछे खींचते हैं तो उंगली से जो हमारा तार है उसको हम उंगली से रोक लेंगे, ताकि जब हम स्टेटर को पीछे खींचेंगे तो तार बाहर को निकल ना पाए, क्योंकि तार बाहर को निकल जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो अगली कॉइल को मशीन के अंदर सेट कर देंगे और एक टन्स हम हाथ से डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाल देंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर लाल वाला बटन दबा देंगे और टन्स ऊपर को पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कॉइल भी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 378 टन्स पे ये मशीन रुकी है। एक दो टन्स कम भी हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद हम इसी तरह से बाइंडिंग करते जाएंगे। जब डाई अच्छी तरह से सेट होती है तो कॉइलों की फिनिशिंग भी अच्छे तरह से ही आती है, और डाई अच्छे से सेट नहीं होती तो तार बार बार टूटता है, बार बार परेशान हो जाते हैं। डाई की सेटिंग अच्छे से करनी चाहिए, डाई सेट करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर डाई सेट होगी तो पंखा भी जल्दी बन जाएगा, और डाई सेट नहीं होगी, बार बार तार टूटेगा तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कॉइलें कितनी मस्त आ रही हैं, एकदम फिनिशिंग के साथ कॉइलें आ रही हैं। स्टेटर की जो कॉइलें हैं वो एकदम बढ़िया से होनी चाहिए, यानी दो कॉइलों के बीच में गैप होना चाहिए, ना कि कॉइल के ऊपर कॉइल चढ़ के आए, यानी दो कॉइलों के बीच में गैप होना चाहिए। गैप कैसे होता है, जो स्प्रिंग होता है जहाँ से तार आता है, जो नमदे होते हैं रुई के, और जो स्प्रिंग होता है उसके ऊपर जो बोल्ट लगा होता है उसको टाइट कर देंगे, और अगर ज़्यादा टाइट है तो स्प्रिंग को लूज़ कर देंगे। तार ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो ये हमारी लास्ट वाली कॉइल पड़ रही है, और ये हमारी लास्ट वाली कॉइल भी पड़ चुकी है और हमारे स्टेटर की बाइंडिंग हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तार को थोड़ा सा खींचेंगे और उसको तोड़ देंगे और तार को रोड के अंदर लपेट देंगे। उसके बाद स्टेटर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग कितनी सफाई से हुई है, इसके अंदर कोई भी जॉइंट नहीं आया है। अब हम इसके अंदर इंसुलेशन पेपर लगाएंगे। इंसुलेशन पेपर का साइज जो कोर है उससे हल्का सा बाहर को होना चाहिए, यानी 1.5 mm बाहर को इधर को होना चाहिए और 1.5 mm इधर को बाहर होना चाहिए, यानी ये 10 mm का स्टेटर है तो पेपर की पट्टी का साइज जो हम रखेंगे वो लगभग 14 mm पेपर का साइज होगा चौड़ाई। तो फटाफट हम इसके सारे पेपर इसके अंदर डालेंगे। पेपर डालते समय थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि जब हम इसके अंदर पेपर डालते हैं तो ऐसा होता है कि एक दो टन्स जो हमने नीचे वाला पेपर डाला है उसमें कुछ चली जाती हैं, और जब हम ऊपर वाला पेपर डालते हैं तो वहाँ पर तार टूट सकता है। तो जब आप ऊपर वाला पेपर डालें तो तार को देखते रहें कि कोई तार इधर उधर तो नहीं निकल गया। तार अगर निकल गया हो तो उसको आप हाथ से सेट कर सकते हैं, या जो है टेस्टर या फन्नी से बांस की उससे सेट कर सकते हैं। यानी तार जो है पेपर के अंदर होने चाहिए, नीचे वाले पेपर और ऊपर वाले पेपर के बीच में ही तार होना चाहिए। ये पेपर हम इसी नहीं लगाते हैं, बाइंडिंग जो है इंसुलेटर है, यानी करंट जो है स्टेटर के अंदर ना आए, बॉडी में ना आए। तो फटाफट सारे पेपर इसके हम डाल लेंगे। तो ये हमारे सारे पेपर पढ़ के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर दो लीडें निकली हमारी, पहली वाली और लास्ट वाली, उन दोनों लीडों के बीच में एक सेपरेटर बीच में लगा देंगे। इससे ये होता है कि सबसे पहली कॉइल और सबसे लास्ट वाली कॉइल आपस में शॉर्ट नहीं होती है। उसके बाद हम इसकी लीडों को जलाने के बाद इसको सीरीज से चेक करेंगे कि हमारी बाइंडिंग कंटिन्यूटी बता रही है या नहीं बता रही है। तो ये हमारी बाइंडिंग बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब हम ऊपर वाली कॉइल डालेंगे, लेकिन उससे पहले उसके लिए इंसुलेशन पेपर लगाएंगे। तो ये स्टेटर 10 mm का है, तो यहाँ पर हम लगभग 13 mm की PVC पेपर की सीट काट लेंगे, पट्टी काट लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। ऊपर वाला जो पेपर पड़ेगा, जो बाद में पड़ेगा बाइंडिंग होने के बाद, वो 1 mm लगभग बड़ा होना चाहिए, और जो नीचे वाला पेपर होता है वो लगभग 1 mm छोटा होना चाहिए। तो फटाफट हम इसके सारे पेपर डाल देंगे। तो यहाँ पर भी हम बिना मोड़े ही सारे पेपर डाल रहे हैं। तो ये हमारे सारे पेपर पड़ चुके हैं। अब हम इसकी ऊपर वाली यानी रनिंग वाली बाइंडिंग करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर फिर से डाई चेंज करनी होगी। पहले हमने लंबी वाली डाई लगाई थी, अब हम यहाँ पर ऊपर वाली यानी छोटी वाली डाई लगाएंगे। ये मेरी मशीन ऑटोमेटिक डाई वाली नहीं है,
ये मैनुअली इसकी सारी डाई चेंज करनी होती है, ऑटोमेटिक वाली में ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटिक वाली में सिर्फ दो ही डाई होती है, एक ऊपर की और एक नीचे की। यहाँ पर हम फटाफट से डाई खोल लेंगे और यहाँ पर हम ऊपर वाली डाई लगा देंगे। तो इसके अंदर हम स्टेटर भी फिट कर देंगे और स्टेटर को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, डाई के सेंटर में रखेंगे। तो सेंटर तो हमारा पहले ही सेट था क्योंकि हमने एक साइड का ही ये बोल्ट खोला था। और अब हम डाई की अच्छे तरह से दोबारा से सेटिंग कर लेंगे क्योंकि पहले हमने स्क्रू थोड़े लूज़ रखे थे। डाई और स्टेटर की कोर के बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर को और थोड़ा सा नीचे को। यहाँ पर मैं डाई को सेट करने का बढ़िया सा तरीका बता दूँ। जब हम डाई को सेट करेंगे तो पहले ऊपर को घुमा कर देख लेंगे, ऊपर को घुमाएंगे तो नीचे गैप होना चाहिए लेकिन ऊपर गैप ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद डाई को थोड़ा सा नीचे घुमा कर देखेंगे, ऊपर गैप होना चाहिए और नीचे वाला गैप बंद नहीं होना चाहिए। अब हम तार को डाई के बीच में को निकालेंगे और स्टेटर की रोड में बांध देंगे। उसके बाद जहाँ पर रोड में सुराख है, जहाँ पर हमने पहले लीडें निकाली थी, उसके सामने ही ऊपर एक टंस डाल देंगे और स्टेटर को घुमा के डाई के सामने रोड का सुराख कर देंगे जहाँ पर हमें पहली क्वाइल डालनी है। स्टेटर को जब हम डाई में फिक्स करते हैं तो उसके बाद हम तार को थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे और एक दो टंस हम हाथ से डाल देंगे। और अब हम इसकी रनिंग बाइंडिंग की टंस सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले सेट की थी 370, जो कि टंस आई थी हमारी 380, और अब हम सेट करेंगे 390 क्योंकि हमें इसके अंदर टंस डालनी है 400। नीचे हमने टंस डालनी थी 380, ऊपर हम टंस डालेंगे 400। और इसको हम 36 नंबर कॉपर वायर से बना रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय रेड कलर की LED जल रही है, तो हमें यहाँ पर लाल वाला बटन दबाना होगा। और जब ये लाल वाली कॉइल पड़ जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिक ही ग्रीन वाली LED ऑन हो जाती है, तो हमें हरा वाला बटन दबाना होता है। यानी एक बार ऊपर को चलानी होती है रिवर्स, एक बार नीचे को चलानी होती है फॉरवर्ड, यानी एक बार लाल और एक बार हरा। तो सबसे पहले हम लाल वाला यानी रिवर्स वाला बटन दबा देते हैं और इसकी बाइंडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। यानी इस समय ये ऊपर को कॉइलें पड़ रही हैं और यहाँ पर हमें टंस जो डालनी है वो 400 टंस डालनी है। तो यहाँ पर एक टंस या दो टंस कम ऊपर नीचे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से हमने नीचे वाली कॉइलों की बाइंडिंग की थी उसी तरह से इन वाली कॉइलों की भी बाइंडिंग करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब हम ऊपर वाली कॉइलों की बाइंडिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, खासकर 12 कॉइल के स्टेटर में, कि कुछ टंस जो होती हैं कोनों पे से थोड़ी थोड़ी बाहर को निकल के आ सकती हैं। तो आप जो है जब भी कॉइल डालेंगे तो आप वहाँ पर ध्यान रखेंगे कॉइल की टंस जो है बाहर को तो नहीं है, अगर है तो आप उसको अंदर कर लें। और ऐसा ही बार बार हो रहा है, यानी हर कॉइल की कुछ टंस बाहर को रह जा रही हैं। तो जिस साइड की भी टंस बाहर को रह रही होंगी उस साइड की डाई के पेच लूज़ करेंगे दोनों और हल्की सी डाई को आगे को बढ़ा देंगे, थोड़ी सी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैंने इसी टाइप की वीडियो के रिगार्डिंग एक और नया YouTube चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे नए वाले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर ये मशीन चलते चलते ही तार टूट चुका है, लेकिन हमारी डाई बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट है। अब ये देखेंगे कि ये तार क्यों टूटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये हमारे नंदे हैं, जिस जगह पर तार चलता है वो जगह गर्म हो जाती है और वहाँ से हल्की हल्की रुई जो है तार पर चिपकना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर कई सारी रुई इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद तार वहाँ पर टूट जाता है। तो अब हम जोड़ किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हमारा जो तार टूटा है उसको मशीन में डाल लेंगे अगर निकल गया है तो। उसके बाद जो पंखे में तार टूटा हुआ है अगर वो छोटा है तो उसको 1-8 टंस खोलने के बाद निकालने के बाद उसको बड़ा कर लेंगे और दोनों ही सिरों को सीलिंग फैन की रोड में बांध देंगे। उसके बाद हम हाथ से ही जिस साइड को हमारी टंस पड़ रही थी उसी साइड को 4-5 टंस डाल देंगे। उसके बाद जिस साइड को मशीन चल रही थी वही वाला बटन दबा देंगे। अगर लाल वाली LED जल रही है तो लाल वाला बटन दबा देंगे और अगर हरी वाली जल रही है तो हरा वाला दबा देंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि अगर तार टूट गया है और आपके डायरेक्शन चेंज हो गए, मशीन में जो रोटेट वाला बटन होता है इससे हम LED को चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद इसी तरह से हम इसकी बाइंडिंग करते जाएंगे, फटाफट हम इसकी बाइंडिंग कर लेंगे। तो ये हमारी रनिंग की बाइंडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम तार को तोड़ेंगे और तार को रोड में फंसा देंगे, बांध देंगे और स्टेटर को बाहर को निकाल लेंगे खोलकर। तो ये हमारी दोनों बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर इंसुलेशन पेपर लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे, जिस तरह से हमने नीचे पेपर लगाए थे उसी तरह से ऊपर वाले इंसुलेशन पेपर भी लगा देंगे। चकोर पेपर लगाएंगे, यू टाइप पेपर लगाएंगे, सारे पेपर अच्छे तरह से लगाएंगे। कोई भी तार बाहर को नहीं रहना चाहिए, कोर में कोई भी तार बाहर को नहीं रहना चाहिए। सारे पेपर डालने के बाद जहाँ पर हमारी दो लीडें निकली हैं, शुरू वाली और लास्ट वाली, उन दोनों कॉइलों के बीच में एक सेपरेटर पेपर लगा देंगे। और इसके बाद हम इसकी लीडें निकालेंगे। लीडें निकालने से पहले तार को जला लेंगे और तार को जलाने के बाद
हम सबसे पहले जॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमारे स्टेटर में एक जॉइंट आ चुका है ऊपर, तो यहाँ पर हमने जॉइंट लगा दिया और जॉइंट को इंसुलेट भी कर दिया, यानी एक स्लिप का टुकड़ा दोनों कॉइलों के बीच में फंसाने के बाद जो जॉइंट है उसको स्लिप के अंदर डाल देंगे। और अब हम इसकी लीडर निकालेंगे, 10-12 इंच की एक तार का टुकड़ा लेंगे और उसको डबल करके रोड के अंदर को नीचे को निकाल लेंगे, नीचे वाले सुराख में जहाँ पर हमारी लीडें हैं, और इन काली वाली लीडों में डाल देंगे। पहले हम काली वाली लीडों के कनेक्शन करेंगे स्टार्टिंग के नीचे वाली कॉइलों के साथ। काली वाली एक लीड नीचे वाली कॉइल के साथ में जोड़ देंगे और अच्छे तरह से जोड़ने के बाद उस जॉइंट को उसी लीड के एक नंबर वाले स्लिप के अंदर डाल देंगे, अलग से स्लिप डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ऊपर वाले स्लिप इसके ऊपर चढ़ा देंगे और दूसरी काली वाली लीड भी इसके बगल में जोड़ देंगे, और जो लाल वाली लीडें हैं वो हम बाहर वाली कॉइलों के साथ जोड़ेंगे। तो फटाफट हम इसके कनेक्शन कर लेंगे। तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इन लीडों को बांध देंगे धागे से, और जो रनिंग की लीडें स्टार्टिंग के ऊपर को आई हैं उसके बीच में एक सेपरेटर पेपर लगा देंगे ताकि रनिंग की लीडें स्टार्टिंग कॉइलों के साथ में कभी आगे चल के शॉर्ट ना हो पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ़ैन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी बाइंडिंग चेक करेंगे। यहाँ पर आपको स्विच का बल्ब नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आप स्पार्किंग देख सकते हैं। तो ये हमारी रनिंग वाली बाइंडिंग भी बिल्कुल ओके है और स्टार्टिंग वाली बाइंडिंग भी बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसके ऊपर वार्निश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास डॉक्टर बैग कंपनी का ओरिजिनल वार्निश है। किसी भी पंखे पर ओरिजिनल वार्निश ही लगानी चाहिए जिससे उसकी लाइफ अच्छी रहती है। तो फटाफट अच्छे तरह से वार्निश कर देंगे, दोनों साइड से अच्छे तरह से वार्निश करेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी, और पंखे की ऊपर वाली किनारों पर और नीचे वाली किनारों पर अच्छे तरह से वार्निश करेंगे। उसके बाद जो इसकी कोर है उस पर भी वार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर मैं दांत मांजने वाले ब्रश से वार्निश कर रहा हूँ, इससे ये होता है कि वार्निश भी कम खर्च होता है और वार्निश भी अच्छे तरह से हो जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी सीलिंग फैन की बाइंडिंग बिल्कुल सफाई के साथ कर सकते हैं जिससे बाइंडिंग देखने में भी अच्छी लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिल जाए।